द पीपल ऑफ द स्टोरी जिसने ये लाइन बोली है दे वॉन्ट टू स्टे टूगेदर उन्हें मरने का डर नहीं है सो दाइटल इट सेल्फ यू नो अराइजेज द एंग्जाइटी ऑफ द रीडर सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द टाइटल द स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय गॉडन कुक एंड एलन ईस्ट गॉडन कुक ये हमारे ऑथर हम हमार भी, भी हैं और नरेटर भी हैं इस स्टोरी के इट इज़ बेसिकली एन ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी उन्होंने अपनी ही स्टोरी को Uh, लिखा है सो दैट ऑल द रीडर्स कैन एंजॉय व्हाट ही जिन्होंने अर्थ का एक पूरा राउंड लगाया था शिप के ऊपर तो ही आल्सो वांटेड, उनका एक डिजायर था कि मैं भी ऐसा ही कुछ करूँ सो so, उनकी वो सी वॉयज के ऊपर ये पूरी हमारी स्टोरी है विच वी आर गोइंग टू रीड इन अ वाइड बिफोर वी एक्चुअली गो टू दी लेटस डिस्कस द थीम ऑफ द स्टोरी

सो दिस इज़ वन ऑफ द थीम्स ऑफ द स्टोरी हमें ये सीखना चाहिए इस स्टोरी से कि अगर हम एक दूसरे के साथ हैं एक दूसरे का मोराल बूस्ट कर रहे हैं सिचुएशन से डर नहीं रहे हैं तो हम हर डिफिकल्ट सिचुएशन का लाइफ में सामना कर सकते हैं एंड टू रिमेंबर द थीम ऑफ द स्टोरी आई ऑलवेज गिव एन एग्जाम्पल डर के आगे जीत है तो जब हम ये वाला अपना छोटा सा टैगलाइन याद रखेंगे तो हमें इस स्टोरी का थीम भी याद रहेगा वी हैव द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी द नरेटर हु इज गॉर्डन कुक हिमसेल्फ वी हैव द वाइफ ऑफ गॉर्डन कुक मैरी कुक जो उनके साथ इस शिप बॉयज पे जाती हैं वी हैव हिज डॉटर सुजैन सू जो सिक्स ईयर्स की हैं उनके साथ उनके बेटे जोनाथन जिसको वो जॉन भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म निकनेम Uh, वो सेवन इयर्स ओल्ड के हैं ये दोनों बच्चे उस शिप वॉयज पे साथ में जाते हैं और जब उनका फर्स्ट फेज ऑफ द जर्नी कंप्लीट हो जाता है तो उन्हें दो क्रू मैन भी ज्वाइन करते हैं दे आर लारी विजिल इज एन अमेरिकन एंड हर्ब सिगलर ही वो स्विट्जरलैंड के हैं ये दोनों जो क्रू मेंबर्स हैं ये इस फैमिली को ज्वाइन करते हैं बिकॉज uh, जो हमारे ऑथर हैं उनका ये मानना है कि जो सेकेंड फेज ऑफ द जर्नी है वो टफ होने वाली है uh, जो वाटर्स हैं वहाँ के इंडियन ओशन के जहाँ वो जाते हैं सेकेंड फेज में वो बहुत डिस्टर्बिंग है वहां पे काफी स्टॉम्स आते हैं तो वहां पे उनको इन क्रू मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी हेल्प पड़ेगी की नीड होगी दैट इज वाई दीज पीपल ज्वाइन इन दॉज

एंड उसको बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट किया गया है और इस वेव वॉकर के ऊपर वो अपनी जर्नी जो है वो कंप्लीट करते हैं नाउ लेट्स बिगिन द स्टोरी इन जुलाई 1976 सेवेंटी माई वाइफ मैरी सन जो Six daughter Suzanne 7 and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer.

जो हमारे नरेटर हैं ही थर्टी सेवन ईयर्स ओल्ड और उनका ये एक सपना था कि वो एक जो फेमस एक्सप्लोरर हैं जेम्स कुक उनकी इस वॉयज को डुप्लीकेट कर सके और दोबारा से राउंड द वर्ल्ड ट्रेवल कर सके एंड फॉर सिक्सटीन ईयर्स नॉट फॉर वन ईयर और टू ईयर और थ्री ईयर्स फॉर सिक्सटीन ईयर्स सिक्सटीन ईयर एक बहुत लंबा पीरियड होता है जितना भी उनका फ्री टाइम होता था अफकोर्स वो अपना प्रोफेशन भी टेकअप करते थे अपना काम करने के बाद जो भी उनका लेजर टाइम था दोनों हस्बैंड वाइफ सिर्फ इसी तैयारी में लगे रहते थे कि कैसे उन्होंने ये जर्नी टेकअप करनी है आर बोट वेव वॉकर जैसे मैंने अभी डिस्क्राइब किया और 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट and and we had spent months fitting it out and testing it out testing in the roughest weather we could find वी कुछ difficult से difficult weather है उसमें उन्होंने इस बोट को लेके जाके टेस्ट किया था कि क्या ये ऐसी जर्नी को अंडरटेक करने में उनकी हेल्प कर पाएगी या नहीं कर पाएगी क्या ये शिप इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो एक ऐसी जर्नी को जो राउंड द वर्ल्ड इनको ट्रैवल करना है ऐसी जर्नी को टेकअप करने में इनके साथ इनको लेके जा पाएगी या नहीं जा पाएगी विल इट बी फिट फॉर सच अ जर्नी और नो द फर्स्ट लेग ऑफ आ प्लैंड थ्री इन हंड्रेड एंड फाइव थाउजेंड किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लेजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू प टाउन जो उनका फर्स्ट सेगमेंट जो उनका फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी था वो बहुत आराम से कवर कर लिया ऑन टू क्रूमेन अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विज हर्ब सिगलर टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट सीज द सदर्न इंडियन ओशन ये वो ऑलरेडी स्टडी कर चुके हुए थे ऑलरेडी उन्होंने अपना इतना होमवर्क कर लिया था कि जो हमारा इंडियन ओशन है वहाँ के जो वाटर्स हैं वहाँ पे सबसे ज्यादा स्टॉम आते हैं सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग टर्बुलेंट जो सी है वो भयंकर तूफानों वाला जो सी है वो इंडियन ओशन ही है और केप टाउन से आगे की जर्नी में उन्हें क्रू मैन की जरूरत पड़ेगी दैट इज वाई वो वहां से इन दो क्रूमैन को लेके आगे बढ़ते हैं ऑन अ सेकेंड डे ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स स्ट्रोंग गेल्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग विंड

दिस पोल जो सेंटर में होता है इसको मास्ट बोलते हैं ठीक है आपको पिक्चर में देखने में ये छोटा सा लग रहा होगा लेकिन ये बहुत लंबा सा पोल होता है तो जो वेव्स थी वो इस पोल जितनी ऊंची आ रही थी तो वॉट द ऑथर इज ट्राइंग टू टेल एस इज दैट कि मुझे तेज हवाओं से डर नहीं लग रहा था आंधी से डर नहीं लग रहा था लेकिन जो इस आंधी की वजह से वेव्स उठ रही थी पानी में इतनी ऊंची ऊंची वो मुझे थोड़ा सा डरा रही थी आई वॉज अ लिटल स्केट बिकॉज ऑफ द ह्यूज वेव्स देखो साइज बताया है बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग अप टू फिफ्टीन मीटर्स

न्यू ईयर सेलिब्रेट किया होप करते रहे कि अब वेदर चेंज होगा अब वेदर चेंज होगा दे वर होपिंग फॉर अ पॉजिटिव चेंज पर चेंज हुआ तो क्या इट बिकेम वर्ड कंडीशन और खराब हो गई कैसे खराब हुई लेट्स वीट टूगेदर एट डॉन ऑन जनवरी सेकेंड द वेव्स ह्यूज बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आने लगी वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉम जिब स्मॉल स्टॉम जिब जिब इज अल अगर ये मैं, ये एक्चुअली एक शिप की पिक्चर exactly नहीं है बट इसमें अगर मैं आपको डिस्क्राइब करना चाहूं तो आपको आसानी होगी समझने में ये जो है ये सेल होती है इसको सेल बोलते हैं जो बड़ा सा कपड़ा लगा हुआ होता है शिप पे जिससे शिप को डायरेक्शन देते हैं हम उन्होंने इस वाले सेल को फिलहाल के लिए डाउन किया हुआ था और एक छोटा सेल लगाया हुआ था ऐसे जिसको वो स्टॉम जिब बोलते हैं स्टॉम जिब इज अ स्मॉल सेल तो हमें पता लगाना बहुत जरूरी है सेल किसे कहते हैं सेल इस बड़े कपड़े को कहते हैं और फिलहाल के लिए क्योंकि बहुत स्टॉमी कंडीशन थी बहुत तूफानी कंडीशन थी पानी में तो उन्होंने छोटा वाला सेल जो है जो स्टॉम सेल है जो कि समुद्री तूफान को uh, को रोक सके उन्होंने अपना वो वाला सेल अप किया हुआ था उसको खोला हुआ था फिलहाल के लिए एंड मेकिंग एट नॉट्स एट नॉट्स नॉट्स इज मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑन सी जैसे हम रोड पर ट्रैवल करते हैं तो किलोमीटर्स में डिस्टेंस ट्रेवल को नापते हैं ऐसे ही वेन वी आर ट्रेवलिंग इन सी सो द डिस्टेंस कवर्ड इज मेजर्ड इन नॉर्थ एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एनलेस एनॉमस सी रोलिंग टूवर्ड्स अस शिप जो है वो हर वेव के ऊपर चलती हुई जा रही है और जब वो शिप मूव कर रही है तो उन्हें आगे क्या दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ पानी इतना ज्यादा पानी वो भी कोई काम वाटर्स नहीं थे तूफानी वाटर उन्हें लगा था बस पानी सीधा उनकी तरफ चलता आ रहा है और किसी भी वक्त उनको हार्म पहुंचा सकता है आप समझ सकते हो कि उनकी शिप शायद इसमें खराब भी हो सकती है डैमेज भी हो सकती है वो लोग डूब भी सकते हैं इतना उन्हें पानी जो है तेजी से उनकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा था एंड द स्क्रीमिंग एनलेस एनॉमस रोलिंग टू अस एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे पेनफुल टू द इयर्स इतना ज्यादा साउंड था साउंड ऑफ द विंड स्टॉम साउंड ऑफ द वेव्स दोनों ही आवाजें कान के लिए बहुत पेनफुल थी तो यू कैन इमेजिन हाउ टर्बुलेंट हाउ वॉयलेंट द स्टॉम वॉज To slow the boat of to slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. is पानी में शिप को बहुत ज्यादा हिलने से रोकने के लिए इन्होंने क्या किया? जो ये इनका storm jib था, इसको भी बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया। और मोअरिंग रोप मोअरिंग रोप क्या होती है मोअरिंग रोप इज अ रोप जिसको बोट की अगर ये फ्रंट साइड है दिस इज द स्टर्न ये बोट की बैक साइड है स्टर्न इज द बैक साइड ऑफ द बोट उसके आसपास बांध दिया बांधकर उसमें नीचे एक एंकर लगा हुआ होता है उस एंकर को उन्होंने पानी में फेंक दिया ताकि वो बोट स्टेबल हो जाए वहीं पर टिक जाए और तूफान की वजह से बहुत ज्यादा डगमगा ना क्योंकि अब तूफान इतना ज्यादा है कि जो स्टॉन्ग वाली जो सेल है वो भी तूफान को हैंडल नहीं कर पाएगी उस बोट को डायरेक्शन नहीं दे पाएगी सेल का काम होता है डायरेक्शन देना अब जब डायरेक्शन ही नहीं मिलेगी देन व्हाट विल हैपन द शिप विल लूज डायरेक्शन और इट में जस्ट टॉपल उलट सकती है सो टू सेव इट फ्रॉम दैट अ मोरिंग रोप वाज टाइड अक्रॉस द बैक एंड ऑफ द

लाइफ सेविंग स्किल्स सीखी हुई थी कि इफ देर इज एन इमरजेंसी ऑन द सी व्हाट टू डू क्या करना चाहिए कैसे लाइफ जैकेट पहनना चाहिए कैसे जो आपकी लाइफ बोट्स हैं उनमें कैसे कूदना चाहिए कैसे उन्हें खोल देना चाहिए वो सभी चीजों को इन्होंने एक बार ही रिवाइज करने की कोशिश करी कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई देन हाउ आर वी गोइंग टू सेव आर सेल्व अटैच लाइफ लाइन डोंट ऑयल स्किन दे वोर देअर डोंट मतलब पहनना दे वो देर ऑयल स्किन एंड लाइफ जैकेट ये जो है ये वो वाले इक्विपमेंट्स हैं सेफ्टी इक्विपमेंट हैं जो आपको पहनने होते हैं सो डैट यू डोंट ड्राउन इन द वॉटर आप डूबो ना उससे बचने के लिए ये चीजें आपको पहननी होती हैं लाइफ जैकेट उसमें हवा भरी भी होती है तो आप तैर जाओगे आप डूबोगे नहीं और ऑयल स्किन जो है वो चिकने होते हैं वॉटर होते हैं तो बहुत ज्यादा पानी में आप

खतरनाक होने वाला है कुछ बहुत ही ज्यादा अशुभ होने वाला है ओमनियस मीन अशुभ विच इज नॉट ऑस्पिशियस एट ऑल कुछ बहुत ही इन ऑस्पिशियस होने वाला है तभी कहते हैं तूफान से पहले आने वाली तूफान के आने से पहले वाली शांति वो ही शांति हो गई जो इतनी आवाज थी दे कुड नॉट एक्चुअली कान में दर्द था बिकॉज ऑफ द स्टॉम बिकॉज ऑफ द वेव्स suddenly everything went quiet and there was silence the wind dropped and the sky immediately grew dark wind to ruk gayi chalni band ho but there were lo lots of clouds in the sky they came, then came a growing roar and an enormous cloud towered aft of the ship ठीक शिप के ऊपर एक बहुत बड़ा बादल घना बादल आ गया हॉरर आई रियलाइज ever बट अदर आई very इंपॉर्टेंट दिस इज द वेव which appeared लाइक अ क्लाउड देखने में बादल जैसी थी पर वो इतनी बड़ी वेव थी दिस वेव इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय their शिप their बोट सो so, हमें इसका ध्यान रखना है आगे भी चैप्टर में इट अपियर परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट द हाइट ऑफ अदर वेव अभी हमने पढ़ा था कि 15 मीटर हाई वेव आई जितनी मास्ट है उतनी ऊंची वेव आई ये उसकी डबल थी मतलब तकरीबन 30 मीटर हाई तो इतनी बड़ी वेव आई विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट

ये इसका स्टर्न है बोट ऐसी कंडीशन में हो गई बैक पूरा ऊपर एंड द ऑथर वॉज ऑफ दिस होप कि इस वेव को भी आ, पार कर जाएगी जो इनकी बोट है पर ऐसा नहीं हुआ क्या हुआ बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वॉटर ब्रोक ओवर द शिप एक बहुत सारा पानी जैसे कि एक बाढ़ में आ जाता है ऐसा पानी जो है वो शिप के अंदर एंटर हो गया अब जो शिप है वो वेव के ऊपर पहले चल पा रही थी इस वेव के ऊपर वो नहीं चल पाई सारा पानी शिप के अंदर आ गया एंड एज अ रिजल्ट क्या हुआ माई हेड स्मैश इन टू द व्हील The head of ऑफ author just इन टू द steering व्हील वो शिप को स्टीयर कर रहे होंगे व्हील होगा उस व्हील के ऊपर उनका हेड जाके लग गया आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ एंड दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेर द ऑथर वॉज श्योर दैट दे आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव ही वॉज श्योर कि अब तो बस हम सबका एंड नजदीक है

पॉप्ड आउट ऑफ वॉटर नाउ वेन ही वॉज जस्ट थिंकिंग दैट एवरी थिंग इज ओवर एंड ही रियलाइज दिज हेड पॉप्ड आउट ऑफ वॉटर पानी में से बाहर निकल आया उनका सर अ फ्यू मीटर्स अवे वे वॉकर वॉज नियर कैपाइजिंग कैप्साइजिंग मीन सिंकिंग लोग ड्राउन होते हैं और बोट जो है वो सिंक होती है वी यूज द वर्ड सिंकिंग फॉर दिस इज द वर्ब दैट वी शुड बी यूजिंग हमें करेक्ट वर्ब यूज करना चाहिए अगर कोई पर्सन ये जो हमारा ऑथर है ये अबाउट टू ड्राउन ही वॉज अबाउट टू ड्राउन इन द वॉटर ऑफ द ओशन एंड द शिप वॉज अबाउट टू सिंक हर मास्क ऑलमोस्ट हॉरिजोंटल द मास्ट ऑफ द शिप मैंने आपको बताया दिस इज द मास्ट ऑफ द शिप ये मास्ट जो है बिल्कुल हॉरिज़ॉन्टल हुआ हुआ था बिल्कुल हॉरिज़ॉन्टल जो सीधा वर्टिकल रहता है वो हॉरिज़ॉन्टल हो गया लेटने वाली पोजीशन में मास्ट इज सपोज टू बी वर्टिकल एंड नाउ इट वाज़ हॉरिज़ॉन्टल बिल्कुल लेटी हुई पोजीशन में आ गया था जो मास्ट था Then a wave hurled her upright. My lifeline jerked, taut. I grabbed the guardrails and sailed through the air into Wave Walker's main boom. Suddenly, एक वेव आई उस वेव के आने से जो हमारा ये मास्ट हॉरिजॉन्टल हो गया था ये वापस बोट सीधी हो गई हमारा मास्ट भी सीधा हो गया हमारी बोट जो है वो वापस करेक्ट पोजीशन में आ गई और जब वो करेक्ट पोजीशन में आई तो यहां से लाइफ लाइन बनी हुई थी लाइफ लाइन रस्सियां जिससे ऑथर ने अपने आप को बांधा हुआ था ठीक है तो जैसे ही बोट सीधी हुई तो ऑथर को एक झटका लगा एक खिंचाव लगा वो टाइटन हो गई रोप और उन्होंने उस रोप को पकड़ के अपने आप को वेव वॉकर की तरफ खींचा और खींचने के बाद वो बूम तक पहुंच गए दिस इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द शिप जहां तक वो पहुंच गई आप अगर इस पिक्चर में देखोगे दिस इज द बूम फाइन एंड इफ यू लुक इन दिस पिक्चर दिस इज द बूम ही जस्ट यू नो पुल्ड द रोप एंड ट्राई टू रीच द फ्रंट पोर्शन ऑफ द शिप डॉल की तरह वो एक पपेट की तरह पूरी शिप के ऊपर यहां से वहां बिना बैलेंस बनाए सिर्फ झूलता हुआ अपने आप को महसूस कर रहे थे देवर सो मच ऑफ वेव कमिंग दैट ही कुड नॉट यू नो फाइंड बैलेंस दो ही वो टाइड विद द लाइफ लाइन टू द बोट लेकिन फिर भी वो बैलेंस अपना नहीं बना पा रहे थे और लगातार पानी की वेव आने से वो एक डॉल की तरह एक लाइफलेस डॉल की तरह अपने आप को फील कर थे जो यहां से वहां सिर्फ हिल रही है पानी के अंदर माई लेफ्ट हिज रिब्स क्रैक्ड माई माउथ फिल्ड विद ब्लड इतनी चोट लग गई कि मुंह में से खून आ रहा था And broken teeth or dant bhi toot the. Somehow I found the wheel, and somehow he was able to climb into the uh, ship and he was able to find the steering wheel which from which he had got hurt and fallen into the ocean. Hua tha na head. From there he had fallen into the ocean. He came back because if he will not take hold of the wheel, he will not be able to give direction to the ship. Lined up the stern for the next wave and hung on. He just waited for the next wave and just waited to see what how the wave is going to now impact the ship. Water, water everywhere. I could feel that the ship had water below, but I dared not abandon the wheel.

ताकि वो सारी वेव्स को आसानी से झेल ले सब्सिक्वेंटली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन जो आगे का हैच था वो खुल गया एंड मैरी अपियड हैच इज अ डोर हैच इज अ डोर इन द शिप फ्रॉम विच द विच विच वॉज ओपन एंड मैरी केम इन We are sinking, she screamed, and वो बिल्कुल के अंदर आएं कि हम सब जो है वो डूबने वाले हैं ये बोट सिंक होने वाली है दर स्मैश डेक्स क्या होते हैं जो फ्रंट पार्ट ऑफ शिप होता है वो वुडन प्लैंक से लकड़ी के फट्टों से बना हुआ होता है पूरे के पूरे लकड़ी के फट्टे जो हैं वो टूट गए हैं और अंदर पानी आ चुका है अब तक वी आर फुल ऑफ वॉटर वी आर फुल ऑफ वॉटर

जो है एस्केप uh, करने के ऑपरेशन को परसू कर पाएंगे वहां पे जाके कुछ राहत का कार्य कर पाएंगे मे बी बोट को जो है थोड़ा सा रिपेयर कर पाएंगे क्या एक्चुअल सिचुएशन है बोट की ये वो जाके देख पाएंगे इफ द वाइफ कम्स एंड स्टीयर्स द व्हील लारी एंड हर्ब व पंपिंग लाइक मैडमैन कंटिन्यूअसली वो लैरी एंड हर्ब जो है वो पानी को पंप आउट कर रहे थे ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज इन वर्ड स्टारबोर्ड इज द बोर्ड ऑफ द शिप शिप के जो साइड बोर्ड हैं वो टूट चुके थे हर जगह से जो भी लकड़ियों से जुड़ के इट इज अट वॉज अ वुडन शिप लकड़ियों के फट्टों से जुड़ के ये शिप बनी थी बहुत ही ज्यादा आ, ऐसे एंगल्स पे अब फटे नजर आ रहे थे कि अभी टूटे के अभी टूटे वो सिर्फ जुड़े हुए थे नाम के लिए लेकिन एक्चुअली पूरी बोट जो है वो टूट चुकी थी और क्या दिख रहा था क्लोथ क्रॉकरी चार्ट्स

आई यू ऑल राइट आई आस्ट येस दे आंसर फ्रॉम एन अपंक बच्चों को ऊपर वाले बंक पे ऊपर वाले बेड पे चढ़ा दिया था ताकि नीचे पानी है तो वो उससे बचे रहे बट माई हेड हर्ट अ बिट सेट सुंग टू अग बम्प अब आईस सु को चोट लगी हुई थी और एक बहुत बड़ा बम्प एक रोड़ा जिसको बोलते हैं वो उसके सिर पर आईस के ऊपर दिख रहा था आई हैव नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प हेड इस वक्त इज सेव टाइम टू इवन सी कीगी है उनका मेन इस समय प्रायोरिटी क्या था कि शिप जो इतनी टूट गई है उसको थोड़ा सा रिपेयर किया जाए पानी को शिप से बाहर निकाला जाए सो दैट दे कैन एटलीस्ट सर्वाइव इन दीज वॉटर्स एंड रीच अ सेफ प्लेस आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर स्क्रूज And canvas, I struggled back on deck, with the starboard side bashed open. We were taking water with each wave that broke over us. kyunki jo side boards हैं, वो totally टूट चुके थे, smash हो चुके थे. तो क्या हो रहा था? Already पानी wave के अंदर आया हुआ था. अब जितनी waves और आ रही हैं, पानी भी ship के अंदर आ रहा है. So इमीजिएट uh, रिपेयर की जरूरत थी ताकि पानी जो अंदर है उसको तो बाहर निकाला जाएगा लेकिन अंदर और पानी अब न आए इफ आई कुड मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक अगर कुछ रिपेयर्स न किए जाते तो ये पक्का था कि ये पूरी की पूरी बोट सिंक कर जाती सम हाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवस एंड सिक्योर वॉटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गेपिंग होल्स जितने भी खुले हुए होल्स थे उनके ऊपर एक कैनवस एक कपड़ा वॉटर प्रूफ उन्होंने स्क्रूज और uh, कील की हेल्प से ठोके सम वॉटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड कुछ पानी तो ऑफकोर्स अंदर आ रहा था इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी वेव्स थी इतना तूफान था कि एक कैनवस लगाने से वो तूफान वो पानी रुक नहीं सकता बट यस yes, उसकी इंटेंसिटी काफी कम हो गई थी अब पानी अंदर आ रहा था लेकिन डिफ्लेक्ट होने के बाद काफी पानी बाहर की तरफ को निकल रहा था और बहुत ही कम पानी शिप के अंदर आ रहा था मोर प्रॉब्लम्स अरोज When our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pumps short-circuited. उस बोट के अंदर इलेक्ट्रिक पंप्स भी थे वाटर को पंप आउट करने के लिए लेकिन क्योंकि इतना पानी शिप के अंदर आ गया था शॉर्ट सर्किट की वजह से इलेक्ट्रिक पंप्स खराब हो गए और जो हैंड पंप्स थे जिससे वो क्रू मैन पानी बाहर निकाल रहे थे उसके अंदर डेबरी डेबरी क्या होता है जो भी टूटा हुआ हिस्सा है शिप का वो छोटे छोटे पीसेस जो है वो ज्यादा के हैंड uh, पंप्स के अंदर अटक रहे थे तो उसकी मशीनरी को खराब कर रहे थे इलेक्ट्रिक पंप ऑलरेडी नॉन फंक्शनल हो चुके थे अब हैंडपंप भी वर्क करना बंद कर रहे थे द वॉटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली डेंजरसली वॉटर लेवल बढ़ रहा था बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आर टू स्पेर हैंडपंप हैड बीन रेंज ओवरबोर्ड अलोंग विदोर स्टे सेल द जिब द डिंगीज एंड द मेन एंकर जैसे ही जो ये ऑथर हैं ये डेक की तरफ पहुंचे तो उन्हें क्या दिखा वहां पे दो स्पेयर हैंड दिख गए इलेक्ट्रिक पंप नॉन फंक्शनल जिन हैंड पंप से लैरी और हर्ब काम कर रहे थे वो भी काम करना बंद हो गए लेकिन ये दो स्पेयर हैंड हैंडपंप मिल गए उन्हें उन्हें और क्या मिला छोटी छोटी ओपन बोर्ड्स मिल गई जिनको आप कभी प्रॉब्लम में हो तो आप उन्हें वाटर में थ्रो कर देते हो और उसमें आप खुद चढ़कर सेफ्टी की तरफ बढ़ सकते हो उन्हें एक सेल भी मिल गया जो शिप के फ्रंट वाले हिस्से में लगाया जाता है वी हैव टॉक्ड अबाउट द मेन सेल अभी तक हमने स्टॉम जिप की बात करी है और अब मेन सेल ये तीनों तीन टाइप के सेल हमने समझ लिए अब उनको जो है फोर स्टे सेल भी मिल गया देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनादर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दट इट वर्कड जैसे ही ऑथर को यह याद आया कि जो हमारा चार्ट रूम है चार्ट रूम इज द रूम जहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स रखे हुए होते हैं और उन चार्ट्स को देखकर डायरेक्शन देकर सेलर अपना रास्ता ढूंढता है डायरेक्शन देता है शिप को जहां भी उनको जाना होता है उस रूम में उनको याद आया कि एक इलेक्ट्रिक पंप वहां पर भी रखा हुआ है जब नरेटर ने उसको ट्राई किया तो इट्स स्टार्टेड वर्किंग नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटर्ली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग स्टियरिंग एंड वर्किंग द रेडियो देर आर रेडियो फिटेड ऑन टू दीज शिप जब भी कभी ये वॉटर में ओशन में समुद्र में अंदर जाते हैं तो वहां से ये रेडियो कॉल्स कर सकते हैं अगर कुछ भी प्रॉब्लम है डिस्ट्रेस है तो ये कॉल कर सकते हैं So, पूरी रात वॉट दे डूइंग दे वर जस्ट ट्राइंग टू रिमूव द वॉटर वर ट्राइंग टू स्टियर द शिप इन अ फेवरेबल डायरेक्शन कि कहीं पर तू हम एक सेफ वॉटर में जहां तूफान हो उससे बाहर निकल पाए एंड रेडियो को चलाने की कोशिश कर रहे थे जो कि नहीं चल रहा था ऑफ कोर्स वो भी पानी से खराब हो गया होगा वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आर मेडे कॉल सिग्नल्स भी नहीं आ रहे होंगे मेडे कॉल्स आर रेफर टू एज मेरे कॉल से आप एसओ एस कॉल्स करते हो कॉल्स इन द लैंग्वेज ऑफ दिस सी जर्नी इज सेव आर सोल्स कॉल तो जब भी कभी मेरे कॉल होती है तो ये पता लग जाता है कि जो भी सेलर्स गए हुए हैं जो भी आम, एक सी जर्नी पे गए हुए हैं उन्हें कुछ प्रॉब्लम है वो किसी मुसीबत में फंस गए हैं तो उन्हें हेल्प दी जाती है बेसिकली मेरे कॉल्स तभी होती हैं जब बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हो तब वर्ल्ड एक तो वो थे भी ऐसी एरिया में जहां पर सिग्नल्स का न होना कोई बहुत ही अजीब बात नहीं थी बिकॉज इट वॉज अ वेरी वेरी ऑब्सोलिट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड जहां पर बहुत लोग नहीं रहते थे ब्लैक आईज आंखों के आसपास काले धब्बे पड़ गए थे एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म उसके हाथ पर भी एक बहुत गहरा कट था वेन आई आस्क वाई शी हम मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस शी रिप्लाई आई डेंट वॉन्ट टू वरी यू वेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल लुक एट द ब्रेवरी ऑफ द गर्ल बच्चों को छोटी सी चोट लग जाती है दे विल कम एंड शाउट एंड क्राई एंड सेट मुझे चोट लग गई

Still had a tremendous leak somewhere below the waterline, and on checking, I found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the keel. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions, the main rib frames. अगर मैं इस छोटी शिप की बात करूं तो ये वाले जो पोर्शन हैं, ये सभी के सभी टूट चुके थे और इस पोर्शन को दिस इज कॉल्ड कील कील हम जैसे हमारी बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड होती है सेंटर में वैसे ही शिप में सेंटर में कील होती है उसको उससे साइड में फट्टे लगा ला के शिप को बनाते हैं ठीक है तो वहां से लेकर साइड तक जितने भी फट्टे लगाए थे वो सारे फ्रेम टूटे हुए थे क्या बचा हुआ था कबर्ड्स के जो डोर्स थे वो सिर्फ हैंग हो रहे थे जिससे पानी अंदर आना रुक रहा था अदरवाइज इतना बड़ा ओपनिंग था वहां पे कि वहां से पानी अभी भी अंदर आ रहा था We had survived for 15 hours since the wave hit. The wave. Which wave is this? The wave. This is the wave, the 30 meter high wave. जिसने पूरी की पूरी ship को destroy कर दिया था, जिसने narrator को चोट पहुंचाई थी, that wave is being talked about. उसके बाद 15 घंटे बीत चुके हैं, but wave walker wouldn't hold together. long enough for us to reach australia agla main destination was australia but the wave walker was destroyed so badly that to reach there um, was impossible i checked our charts and calculated that there were two small islands a few hundred kilometers to the east if डोंट गो टू ऑस्ट्रेलिया दो छोटे छोटे आइलैंड कहीं पे आस पास है एंड वन ऑफ देम आइल एमस्टर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन पिनप्रिक्स नीडल जैसे छोटे छोटे नीडल की टिप जैसे छोटे छोटे आइलैंड इतना बड़ा ओशन है इतना वास्ट ओशन है उसमें लैंड का छोटा सा पीस ऐसा ही लगेगा सो इट्स अक्स इन दास्ट ओशन स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड इन द वास्ट ओशन बट अनस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुल आर चांसेस वुड बी स्लिम इन दीड अंटिल एंड अनलेस The winds reduced and the sea became calm. जब तक ki हवाएं नहीं rukengi जब तक ki तूफान नहीं रुकेगा till the sea water is not calm, इतना काम कि वो वापस अपनी सेल को लगा सके शिप पे आ चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड चांसेस वुड बी वेरी लेस इंडीड The great wave had put up our auxiliary engine out of action auxiliary engine Auxiliary engine is an engine which was there in case of trouble नाउ दैट इंजन इफ यू आर नॉट एबल टू होस्ट द सेल आप सेल नहीं लगा पा रहे हो सेल से शिप को डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हो तो आपके पास एक स्टैंड बाय एक हेल्पिंग एक पार्ट टाइम इंजन है स्टैंड बाय पे नाउ द ट्रेजिडी विद पीपल वॉज दैट बिकॉज ऑफ दैट थर्टी मीटर वेव दिस मशीन दिस इंजन हैड गॉन आउट ऑफ ऑर्डर सो वो मशीन या इंजन की हेल्प से तो अब आगे बढ़ ही नहीं सकते थे ऑन जनवरी फोर आफ्टर थर्टी सिक्स आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वॉटर फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वॉटर इन साइड द शिप सारा पानी रिमूव हो गया था कुछ थोड़ा सा से सेंटीमीटर का पानी रह गया शिप के अंदर नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वॉटर स्टिल कमिंग इन अब जो पानी अंदर आता जा रहा है उसको बाहर निकालते जाओ वट एवर इज कमिंग इन साइड जस्ट थ्रो इट आउट कु नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट अभी भी जो तूफान है वो शांत नहीं हुआ था वेब आ रही थी कि वो अपने मास्ट के ऊपर सेल तो लगा ही नहीं पा रहे थे प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट नाउ वॉट वॉज हैपनिंग कि अगर थोड़ा सा वो सेल लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं तो ये सेल जब लगता है तो यहां में रस्सियां बंधी हुई होती हैं इस पोर्शन पे तो सेल जब घूमती है डायरेक्शन देती है शिप को तो रस्सियों पे जोर पड़ता है ये जोर से ये जो लकड़ी के फट्टे हैं ये हिल रहे थे तो क्या हो रहा था अगर मैं सेल लगाती हूं तो मेरे लकड़ी के फट्टे जो ऑलरेडी ढीले हो रहे हैं और शिप बिल्कुल खराब कंडीशन में हो गई है वो और ज्यादा हिल रहे थे टूटने की कंडीशन में आ रहे थे तो अब उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था कि अगर वो सेल लगाए भी तो उनकी शिप टूट रही थी सो वी द स्टॉम जिब एंड हेडेड फॉर वेर आई थॉट द टू आइलैंड व मेन बड़ी वाली सेल तो लगा ही नहीं पाए जो छोटी स्टॉम सेल थी उसको उन्होंने लगा दिया जिब इज द सेल storm जिब इज द सेल तो छोटी वाली सेल को लगा के They started moving in the direction of the two islands. Mary found some corned beef and cracker biscuits, and we ate our first meal in almost two days. Two दिनों के food. But our respite was short-lived. At 4 p.m., black clouds began building up behind us. Within the hour, the wind was back to 40 knots. And the seas were getting higher. Dubara se uchi uchi. Waves aane lagi. Tez andi chalne lagi. The weather continued to deteriorate. The weather started to continue to remain unfavorable. Spoil. Throughout the night. And by dawn on January 5. आर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग सुबह डस्क मीन्स इवनिंग डॉन का ऑपोजिट होता है डॉन होता है अर्ली मॉर्निंग डस्क होता है इवनिंग जब सूरज ढल रहा होता है और शाम आने वाली होती है उस टाइम को डस्क बोलते हैं their situation was desperate desperate means helpless again hopeless again when i went in to comfort the children jab main bachchon ko comfort karne ke liye gaya john asked daddy are we going to die i tried to assure him that we could make it और इससे पहले कि वो कुछ जवाब दे पाते उसको कि हाँ हम बच जाएंगे नहीं इतना भी कुछ नहीं हम मुसीबत में फंसे Immediately क्या बोल रहा है जॉन बट डैडी ही वेंट ऑन वी आर अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टूगेदर दिस इज द टाइटल ऑफ द स्टोरी एंड सच अ पावरफुल टाइटल वाई बिकॉज इट कम्स फ्रॉम अ चाइल्ड एक छोटे बच्चे के मुंह से आ रही है ये बात कि हमें डर नहीं लग रहा अगर हम सब साथ में हैं तो मरने से क्या डरना पापा यू एंड मम्मी सू एंड आई आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड द ऑथर वॉज सिंपली स्पीचलेस क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा होपलेस हो चुके थे उन्हें बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी कि वो बच पाएंगे लेकिन बच्चे का हौसला देख कर बच्चे की विल पार देख कर बच्चे की मेंटेलिटी को देख कर उनके अंदर एक Uh, अलग सी एनर्जी आ गई और फिलहाल तो वो स्पीचलेस हैं बट सी गोइंग हैपन नेक्स्ट बट आई लेफ्ट द द कैबिन फाइट सी विद एवरीथिंग आई हैड ही गॉट दैट डिटर्मिनेशन टू फाइट द सी ऐसा नहीं है कि वो पहले नहीं कर रहे थे कोशिश लेकिन उस कोशिश में कहीं ना कहीं एक होपलेसनेस छुपी हुई थी एक निराशा छुपी हुई थी कि जितने भी एफर्ट हम कर रहे हैं वी आर नॉट गोइंग टू एस्केप वी विल ऑल हैव टू डाई द काइंड ऑफ वेदर दे देवर फेसिंग एंड द कंडीशन ऑफ द वेव वॉकर वॉज ऑब्वियसली नॉट वेरी गुड टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टाबोट साइड आई डिसाइडेड टू हीव टू विद द Undamaged port hull facing the oncoming waves using an impoverished sea anchor of heavy nylon rope and two 22 liter plastic barrels of paraffin. And what did he do? I want you to, uh, I want to explain the meaning of heave to. Jo undamaged portion thana. उन्होंने अभी तक क्या था शिप को या तो स्टर्न इस तरीके से बैक साइड से वेव्स को हैंडल करने के लिए चढ़ाया जाता था डायरेक्शन दी जाती थी या फ्रंट साइड से ठीक है अब उन्होंने हीव टू किया मींस इस शिप को ऐसे कर दिया इस साइड से दिस इज हीव टू डायरेक्शन ये डायरेक्शन होती है कि अब जो मेरी बोट है वो टिल्ट टो चलेगी थोड़ी सी क्योंकि एक साइड तो बिल्कुल टूट चुकी है शिप की फ्रंट और बैक साइड भी बहुत अच्छी कंडीशन जोन सी साइड ठीक थी उस साइड को वेव्स को फेस करवा दिया उन्होंने और अब डायरेक्शन दी शिप को कि अब थोड़ी डायग्नली शिप को हम चलाते हैं आगे दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टूगेदर होल्डिंग हैंड्स एज द मोशन ऑफ द शिप brought more and more water in through the broken planks or pani under aane or dono ko bas we both felt the end was very near but wave walker rode out the storm and by the morning of january 6 with the wind easing i tried to get a reading on

that we were somewhere in 150000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island while i was thinking Sue moving painfully joined me the left side of her head was now very swollen jyada sooj gaya tha, left side of the head एंड ब्लैक एंड आईज नो उसकी आईज थी जो ब्लैक हो चुकी थी अब वो सूज कर बिल्कुल छोटी छोटी सी हो गई थी शी गेव मी अ कार्ड शी हेड मेड सु ने एक कार्ड बनाया था विच शी गेव टू हर फादर ऑन द फ्रंट शी हैचर्स शी हेड ड्रॉन कार्टून ऑफ मैरी एंड मी जो देखने में मदर और फादर की तरह थे With the words, here are some funny people. Did they make you laugh? I laughed a lot as well. Inside was a message, oh how I love you both. So this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it. The sun was saying that I am not scared if we all are together and we die together. and and the daughter who is is in so much pain, she is making a card with caricatures and she is saying that I love you both and let's hope for the best. तो वो कितना चेयर करने की कोशिश कर रही है अपने पेरेंट्स को जबकि बच्चे बहुत पैनिक करते हैं और घबरा जाते हैं ऐसी सिचुएशन में द optimistic, व मोर ऑप्टिमिस्टिक मोर होपफुल than द adults. I द And we checked my calculations. We had lost our main compass, and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variation. I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents. पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन ही मेर इस कैलकुलेशन की कितना मुझे किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा ये जो कंपस है इसके अंदर अभी प्रॉपर एस्टिमेशन नहीं था क्योंकि ये इनका मेन कंपस नहीं था कंपस क्या होता है जिसे डायरेक्शन देखते हो आप इंस्ट्रूमेंट से ठीक है उन्होंने थोड़ी सी कैलकुलेशन इस बात की करी वेस्टर्ली विंड की डिस्टर्बेंस से शिप थोड़ी इधर उधर जा सकती है वो वाली कैलकुलेशन कर कर अबाउट टू पी एम I went on deck and asked Lurby to steer a course of 185 degrees. If we were lucky, I told him with a conviction I did not feel he could expect to see the island at 5 p.m. दो बजे उन्हें एक इंस्ट्रक्शन दिया कि ऐसे शिप को स्टीयर करो इस डायरेक्शन में स्टीयर करो अगर मेरा अंदाजा सही है तो हमें पांच बजे वो आइलैंड मिल जाएगा जिसकी डायरेक्शन में हम जाना चाहते हैं दो द नरेटर गेव द डायरेक्शन बट ही वॉज नॉट वेरी होपफुल अंदर ही अंदर उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं था कन्वेक्शन मीन्स कॉन्फिडेंस कि जो मैंने डायरेक्शन इनको दी हैं वो ठीक हो सकती हैं देन विद विदेवी हार्ट हेवी हार्ट बिकॉज ही न्यू दैट द कैलकुलेशन माइट नॉट बी ट्रू एंड दे विल मीट देयर एंड आई वेंट बिलो बिलो इन दैबिन क्लाइंट ऑन माई बंक दे बेड एंड अमेजिंगली पता नहीं कैसे इतने थके हुए थे या कहीं पर थोड़ा सा माइंड में सुकून था कि शायद ये रास्ता मिल जाए डोज येंट ऑफ यू स्लीप वेन आई वोक इट वॉज सिक्स पी एम एंड ग्रोइंग डार्क आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आईलैंड एंड विथ द सेल वी है लेफ्ट वेस्टर्स छ बज गए नींद खुली देखा कि लग रहा है आईलैंड नहीं आया और अब जो जितनी भी सेल की कंडीशन है जो बची हुई है उससे तूफान तो अब और कोई भी टॉलरेट करना इस शिप के लिए पॉसिबल ही नहीं है एट दैट मोमेंट अ टू सर्ड हेड अपर्ड टू बाय माई बंक टू सर Untidy ball bikrewe appeared by my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked. Sue was right behind him. Why am I getting a hug now? I asked. Because you are the best daddy in the whole world and the best captain. My son replied. Both the children are telling that you are the best father, you are the best captain.

जो है उनकी बची इसी आइलैंड पर आके दो ऑन दिस आइलैंड दे डिड नॉट हैव मेनी पीपल लिविंग बट फॉर देम इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड वी एंकर श्योर से थोड़ा दूर उन्होंने शिप को टिकाया एंकर से फॉर द नाइट एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल ट्वेंटी एट इनहेबिटेंट ऑफ द आइलैंड जितने भी लोग उस आइलैंड पे रहते थे वो आ गए दे हेल्प अशोर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर दबसे ज्यादा स्ट्रेस था जब उस समय लैरी और हर्बी चेयरफुल रहे हेल्पफुल रहे एंड ऑफ मैरी हुआ व्हील फॉर ऑल दोल आर्स वॉज थिंकिंग अबाउट हिस्स वाइफ अगर वो स्टेयर को ना संभालती तो नरेटर uh, वो नहीं कर पाते जो सब उन्होंने किया Most of all, I thought of a seven year old girl who did not want us to worry about a head injury, which subsequently took six minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, and a six year old boy who was not afraid to die. जो चोट सू को लगी थी उसको ठीक करने के लिए शी मेनी ऑपरेशन इतनी सीवियर चोट लगने के बावजूद शी वॉज ऑप्टिमिस्टिक शी वॉज होपफुल शी वॉज चेयरफुल सो नाउ वी अंडरस्टैंड दैट हाउ वेन दे स्टे टूगेदर इन सच डिफिकल्ट सिचुएशंस द टफेस्ट सिचुएशन कैन बिकम ईजी दैट दैट्स ऑल फॉर नाउ होप टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द सेम चैप्टर